D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सुखवीर सिंह। इस वेले की वड्डी खबर राजधानी दिल्ली तो सामने आ रही है, जिथे कि सदर बाजार के अंदर जिथे लोगों की अक्सर भीड़ रहती है, एक दुकान के अंदर जिहड़ा ब्लास्ट हुंदा है, जिस दे विच दस्सिया जा रहा कि 3 व्यक्ति जिहड़े गंभीर रूप दे विच जख्मी ने ते नज़दीकी हस्पताल दे विच इक भर्ती करवाया गया है। तो जेकर गल की जाए उत्थों दे लोगों की जिहड़ी वड्डी भीड़ आ उस दुकान दे जिहड़ी सामने वो खड़ी सीगी, जिसकी CCTV फुटेज भी एक सामने आई है। तस्वीर तुम देख सकते हो कि किस तरह लोग एक जाम के खड़े सन, जिस तो बाद एक साइड तो जो धुआं निकलता दिखाई देता, एक दुकान के अगे जो ब्लास्ट हों, दुकान गारमेंट की जी दसी जा रही है। एक बार तुम भी देखो पूरी CCTV फुटेज। धमाका होने तो बाद मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले जिहड़ी जांच कर रही है। 6:15 बजे के करीब यहाँ ये कुतुब रोड, ये थाना सदर बाजार नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ पर ये एक दुकान थी, अंडरगारमेंट्स वगैरह बेचते हैं। यहाँ से एक जैसे ब्लास्ट की तरह कुछ निकला है। अभी हमने FSL की और हमारी क्राइम टीम्स वगैरह बुलाई हैं, वो चेक करेंगे। प्रीलिमिनरी जो हमारे विजुअल चेक से देखा जा रहा है तो किसी तरीके के बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह का तो रूल आउट हो रहा है। कहीं या तो कोई स्ट्रक्चरल कोलैप्स हुआ है या कोई एक पानी की मोटर की बात चल रही है। ये जब हमारी टीमें आएंगी, जो एक्सपर्ट टीमें हैं वो चेक करेंगी, तो उसके बाद ही पता चलेगा। एक शख्स के घायल होने की बात अभी पता चली है, हिंदूरा हॉस्पिटल में उनको भेजा है, तो ज़्यादा सीरियस नहीं है, माइनर इंजरीज हैं। नहीं, अभी तक तो यही पता चला है कि एक ही है, बाकी अभी बाकी वहाँ हॉस्पिटल में भी हमने स्टाफ भेजा है, कोई और अपनी तरफ से चले गए होंगे तो उसका वेरीफाई कर रहे हैं। ये अभी तक पता नहीं लगा किस चीज का ब्लास्ट हुआ। ये कुतुब रोड चौक पर ये जिस प्रकार पता लगा हमें कि कोई ब्लास्ट हुआ है, तो सारे जितने भी हमारे व्यापारी फेडरेशन और सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन के सदस्य, सिविल डिफेंस के, फायर के, निष्काम सेवा दल के सभी व्यापारियों ने इकट्ठे होकर यहाँ पर एक मदद की है लोगों की। जो बंदे घायल थे उनको हॉस्पिटल पहुँचाया है। जैसे हरजीत सिंह छाबड़ा जी ने बताया कि काफ़ी लोग, 3-4 लोग जो घायल थे उनको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेजा है। बाकी अभी तक ये कोई भी मालूम नहीं हो रहा ये क्या हुआ है, क्या हादसा हुआ है। बाकी आप देख रहे हैं बिल्डिंग पूरी हिली पड़ी है, सामान बाहर पड़ा हुआ है, फैला पड़ा है, इतना तगड़ा ब्लास्ट था। ये अंडरगारमेंट, ये अंडरगारमेंट्स की दुकान थी, होजरी की दुकान थी, जिसमें महिला भी बैठती थी, लेडीज बैठती थी और 2-4 लोग बैठते थे, मगर वो सब सेफ है। ये सिर्फ झल्ली वाले ही कुछ लेबर के लोग ही घायल हुआ है और अभी तक कुछ आगे डिटेल नहीं मिली। जैसे ही पुलिस अभी जांच कर रही है, पुलिस और फायर जांच कर रही है, डिटेल मिलेगी तो उसके बाद ही कुछ बोल पाएंगे कि ये क्या हादसा हुआ। इस टाइम दिल्ली से साडे पत्रकार दविंदर सिंह साडे नाल जुड़ चुके ने, गलबात कर रहे हैं। दविंदर जी, जिहड़ा है ब्लास्ट होया की कर रहा जी इहदा? जी बिल्कुल, दिल्ली का नामी बाजार कैंप वाला जिथे आप कह सकते हैं कि एक सुई तो लैके जहाज के समान तक भी इतने विक्री होती है। अज अचानक ही शाम 6:15 to 6:30 के करीब काफी भीड़ वाला माहौल सीगा, तो एकदम एक होजरी की दुकान के बड़ा जबरदस्त ब्लास्ट होंगे। CCTV की तस्वीर भी साझी की, तुम देख सकते हो एक ब्लास्ट होंगे, पूरी बिल्डिंग मिल जाती है, कैमरा तक हिले है पूरा और लोगों के भगदड़ बच गई थी। जिस तो बाद हम इस वक्त माहौल की गल करिए तो उत्थे दिल्ली पुलिस तैनात हैगी है, डॉग स्क्वाड तैनात है ने, और नाल ही जेकर गल की जाए NDRF की टीम जी है बचाव कार्य कर रही है और उस समान नु हटाया जा रहा है और बिल्डिंग नु खाली किया जा रहा है कि धमाके का जेड़ा कारण पता लग सके। जी जिहदे विच लोगों की गल की जाए तो जानी नुकसान किन्ना क होया जी? जी जान तो फिलहाल बच गई, लेकिन एक दुकान से काम करने वाला व्यक्ति जरा है और जो आसपास जो उठे लंघ रहे थे लोग जेडे उन्होंने जेडे ने 2 लोग गंभीर जख्मी हुए हैं, जिन्होंने बारा हिंदूरा हस्पताल दे विच जिहड़ा भर्ती कराया गया। जेकर गल की जाए इलाके की, तो इलाके देखा जा रहा है कि दस्सिया जा रहा है कि अक्सर कहिंदे भीड़ रहिंदी है।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਭੀੜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਡੋਰਕਸ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੂਰੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਅੰਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨ ਬਚੇ ਨੇ, 26 ਜਨਵਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ .com। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।